कभी आपने कल्पना करी कि ये एक साल में हम कितना कागज इंसान इस्तेमाल करता होगा, और आंकड़ा देखकर भौचक के रह जाएंगे। वी विल बी शॉक्ड बाय द अमाउंट ऑफ पेपर दैट वी यूज एवरी सिंगल ईयर। ईच वन ऑफ अस वी यूज 55 kg ऑफ पेपर पर ईयर। 55, और जैसे आप यहाँ पर चित्र देख पा रहे हैं, इस चित्र में नॉर्थ अमेरिका की यूसेज बहुत ज़्यादा है और इंडिया की कम है, एशिया की और कम है। लेकिन 55 किलो यानी 10,000 शीट हर इंसान एक साल में इस्तेमाल करता है, 10,000 शीट। तो ये सवाल आता है कि ये जो 10,000 शीट, और इफ़ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ अमेरिका, दे अमेरिका एन एवरेज पर्सन इन अमेरिका यूजेस 315, लगभग 300 किलो की शीटें ऑन एन एवरेज। 55 किलो शीट, 10,000 शीट हर इंसान इस्तेमाल करता है। तो सवाल ये है, आप कल्पना करके देखें कि अगर हम बहुत सारा, ये सारी शीटें जो एक इंसान इस्तेमाल करता है, धरती के सभी इंसान एक के ऊपर एक ये स्टैक अगर ऊंचा करते चले जाएं, तो ये दूसरा सवाल आपका है और मैं इसको फिर सवाल डाल देता हूँ आपकी स्क्रीन पर, सवाल आ जाएगा। अगर A4 शीट हर इंसान जितना एक साल में यूज़ करता है, एक के ऊपर एक गट्ठर लगाते जाएं, तो कितना ऊंचा गट्ठर बन जाएगा? इफ वी स्टैक A4 शीट्स यूज्ड इन अ सिंगल ईयर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द स्टैक? कुतुब मीनार, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डिस्टेंस टू द मून या डिस्टेंस टू द सन? अच्छा, सन का डिस्टेंस करेंगे तो, और कागज रखें तो थोड़ा जल जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो वी विल एंड ये मैं थोड़ा सा आपका म्यूजिक कम कर देता हूँ, शायद ज़्यादा सुनाई दे रहा है। बिल्कुल, चलिए कुछ 700 लोगों के उत्तर आए हैं। 800 लोगों के कुछ जवाब हैं जो कह रहे हैं कि एक एक उत्तर है, और दूसरा उत्तर जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है वो 454 जो है सेकंड। ऑल द बार्स, ऑल फोर उत्तर आ रहे हैं, सभी लोगों के अलग अलग उत्तर आ रहे हैं लेकिन सबके उत्तर आ रहे हैं। ये बढ़िया है, दिस इज़ गुड, बिकॉज वी आर गेटिंग ऑल द क्वेश्चन, ऑल द आंसर्स फॉर ऑल द क्वेश्चन। 1039 भी उत्तर है कुछ लोगों का, और बहुत बढ़िया। चलिए उत्तर देख लेते हैं। द आंसर इज डिस्टेंस टू द मून। सभी लोगों, सबसे ज्यादा उत्तर जो सही था वो यही था। बाकी लोग, कुछ लोगों ने लिखा उसके बाद सबसे ज्यादा जो था वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी था, और फिर उसके बाद कुतुब मीनार था, और डी डिस्टेंस टू द सन सबसे कम लोगों था, वो खैर बात सही थी। तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, देखने में ऐसा लगता नहीं है, लेकिन आप कल्पना करिए कि अगर हर ये सभी कागज़ जो हैं आपने इकट्ठे करके रख दिए तो चांद तक पहुंच जाएंगे। वाह, चलिए करके देखते हैं ये कैसे संभव हुआ, और इसके लिए ओवरहेड पर चले जाते हैं। तो हमने क्या कहा था कि हर इंसान 10,000 शीटें एक साल में इस्तेमाल करता है। तो ये पहले निकाल लें कि 10,000 शीटों की ऊंचाई, एक इंसान कितने ऊंचाई की शीट निकालता है। अच्छा, उसके लिए एक शीट की ऊंचाई नापनी पड़ेगी, वो तो थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमने रीम बनाई है, रीम, ये रीम में 500 शीटें आती हैं, कागज़ की जो रीम है, और इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होती है। तो ये लगभग 1/100 सेंटीमीटर है, एक कागज़ यानी 0.1 मिलीमीटर। 1/100 सेंटीमीटर मतलब 1/10 मिलीमीटर यानी 0.1 mm। तो ये एक कागज़ की ऊंचाई है, तो 10,000 कागज़ की ऊंचाई टाइम्स 0.1 मिलीमीटर होगी, इतने मिलीमीटर यानी 1,000 मीटर, सॉरी 1,000 मिलीमीटर यानी 1 मीटर। तो एक इंसान एक बार में 1 मीटर एक साल में गट्ठर अपना बनाता है, स्टैक बनाता है। और धरती पर लोग कितने हैं? 7 अरब 7 बिलियन। तो निश्चित हुआ कि इतने मीटर ऊंची गट्ठर बन जाएगा, और ये 3 हटा दें तो
किलोमीटर हो जाएगा, तो मतलब हुआ 70 लाख, ये 60 हैं, 70 लाख जो है किलोमीटर, इतना ऊंचा ये गठर बनेगा। और चांद की दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है धरती से, तो आप 18 बार चांद तक घूम के आ सकते हैं। बड़ी मजेदार चीज है, इतना कागज हम पैदा करते हैं कि 18 बार चांद पर घूम कर आ सकते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस पेपर। एंड इमेजिन नाउ बाय डूइंग दिस एक्टिविटीज एंड स्टोरीज वी कैन जनरली क्रिएट सच एन इंटरेस्ट इन द क्लास। मज़ा आ जाता है जब इस तरह की जुड़ी हुई बातें हम अपनी कक्षाओं में बच्चों के साथ कर सकते हैं।